Well, cryptocurrencies um, come in different flavors, right? So let, there's the traditional cryptocurrency like Bitcoin, there is the stablecoin uh, like Tether and so on. Um, so they're different kinds. Uh, now, some of them are being used for payments. Uh, typically, payments which uh, either are in the crypto world itself to buy crypto assets. Namaskar, dosto. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल तो देखो फ्रेंड्स आज हम एक शॉर्ट अपडेट आपको देने वाले हैं जैसे कि आज की न्यूज अपडेट और साथ ही साथ एक बिटकॉइन के बारे में यहाँ थोड़ा बहुत बातचीत कर लेंगे तो देखो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करना साथ ही साथ देखो यहाँ पर हमारा जो छोटा सा टेलीग्राम अकाउंट है इसे जरूर ज्वाइन करें इसका लिंक नीचे प्रोवाइड किया है यहाँ पर हम डेली के डेली न्यूज अपडेट यहाँ पर कंटिन्यू डाल देते हैं यहाँ पर देखो सोल का जो न्यूज़ अपडेट आया था बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से तो देखो उसका भी अपडेट यहाँ पर डाल दिया है वीक में देखो यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ था तो वो भी अपडेट यहाँ पर डाल दिया है डेली लाइव आते हैं शाम को नौ बजे से ग्यारह बजे आप कोशिश करेंगे आने की वहाँ पर आपका जो

मैं जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जैसे कि कोई गलत क्रिप्टो हाथ में लग जाती है तो सीधी सी बात है वहाँ पर अपना फंड जो भी है वो लूज होने हो सकता है मतलब तो देखो फ्रेंड उसकी बात सही है यहाँ पर सबसे पहले लोगों को स्टडी करना ज़रूरी है नए लोगों को तो देखना ज़रूरी है कि कौन से क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अब कोई गलत क्रिप्टो करेंसी आपने बाय कर लिया उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है एक्चुअल में उसका कोई भी यूज केस नहीं है नई तो कोई फ्यूचर है फिर उसमें आप ज्यादा फंड डाल देते हो सीधी सी बात है हंड्रेड परसेंट अपना फंड लूज होगा तो अच्छी बात है आरबीआई गवर्नर जैसे पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने यहां पर अनाउंसमेंट किया है नेक्स्ट यहां पर बातचीत कर लेते हैं आप देखो फ्रेंड्स यहां पर जो नेक्स्ट न्यूज अपडेट है वो है आई एम एफ की तरफ से आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो डिपार्टमेंट होता है उसकी तरफ से ना कि वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ठीक है उनमें यहाँ पर आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है क्रिप्टो करेंसी की वजह से मतलब देखो अभी जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पर रिस्क ही है क्रिप्टोकरेंसी क्योंकि कंटेनो लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे तो उसे लग रहा है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें कुछ इफेक्ट कर सकता है क्रिप्टोकरेंसी भी देखो अभी के लिए इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है ओनली फॉर उसने कहा कि देखो कंट्री uh, में सभी वर्ल्ड में जो स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल uh, उसमें इफेक्ट कर सकता है क्रिप्टो करेंसी मतलब लोग इन्वेस्टमेंट uh, करेंगे आपको सीधी सी बात है वो लोग फंड लूज भी करते हैं काफी सारे लोग तो इतना तो इफेक्ट करता है नेक्स्ट फटाफट देखते अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर एक रशिया का बहुत बड़ा न्यूज अपडेट है मतलब कि यहाँ पर पंद्रह घंटे पहले न्यूज अपडेट डाला था एकदम पॉजिटिव न्यूज अपडेट है ठीक है अब देखो रशियन कंट्री ये कह रही है रहे कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के जितने भी इन्वेस्टर है रशियन उसको अपना आईडी वेरिफिकेशन करना जरूरी है मतलब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो फेस भी लेना है आ, उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी डालना है मतलब किसी गलत बंदा यहां पर घुस ना जाए और क्रिप्टो करेंसी में कुछ केम ना कर जाए इसलिए सभी का आईडी वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा और यहां पर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको भी यहां पर वेरीफाइड करना जरूरी रहेगा क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन के लिए बहुत बड़ी अपडेट है वेरी गुड ये अपडेट बहुत पॉजिटिव है नेक्स्ट यहां पर देखते हैं नेक्स्ट अपडेट देखो फ्रेंड यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो वेटालिक बिटरन है उसके फॉलोवर को ये पूछता है मतलब एक पोल डालता है कि आपको कौन सा कॉइन पसंद है मतलब यहाँ पर इथर ट्रॉन माइनन्स बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि आने वाले ट्वेंटी थर्टी फाइव में कुछ अच्छा खासा ग्रो करे और साथ ही साथ एक दूसरे कोइन कोवर ट्रैक करे ठीक है बहुत बड़ी बात है इसने भी कुछ जानने की कोशिश की कि सभी लोगों को कौन सा कोइन पसंद है नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं देखो फ्रेंड्स यहाँ पर डोज कॉइन के लिए एक अपडेट यहाँ पर दिया गया है मेमे टोकन मतलब पर उसका नेम मेमे लिखा है जो डोज है तो डोज में एक उछाल आपको देखने को मिला था क्योंकि पर एलोन मस्क ने एक अपडेट डाल दिया था कि देखो टेस्ला जो कंपनी है ठीक है टेस्ला कंपनी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसमें से कुछ डोज डोजकोइन पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर रही है अभी के लिए चेक कर रही कि कैसे इसका एक्सेप्ट करने से क्या होगा तो बहुत सारी चीजें वहां पर है जो डोज कॉइन से अभी के लिए सेल आउट हो रही अच्छी बात है और सिवाइन में भी आपको इतना गेंस देखने को मिला था तकरीबन तक अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मुझे ये बता रहे थे कि सर यहाँ पर कुछ वेबसाइट में टैक्स के बारे में है तो वो बताएगा तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लिखा है बजट के बारे में मतलब बजट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर को यहाँ पर इनकम टैक्स के जो रूल्स चेंज होने वाले हैं उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ अनाउंसमेंट कर देना चाहिए

एटी थ्री सॉरी फोर्टी थ्री थाउजेंड एटी नाइन डॉलर के अराउंड अराउंड बी टी सी अभी के लिए करंट प्राइस में ट्रेड कर रहा है अब देखो जो यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस मिल रहा था ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस था उसे ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है ठीक है ऑलरेडी ब्रेकआउट किया है बट अभी बहुत वॉल्यूम मेरे हिसाब से कम आ रहा है थोड़ा मुझे भी ठंडा लग रहा है तो देखो अभी भी ये बी टी बोलिस तो नहीं है ठीक है अभी के लिए बिटकॉइन जा सकता है इस साइडवेज मूवमेंट में मतलब 42 तक वापस आ सकता है नीचे की ओर फिर से ऊपर ट्राई कर सकता है फोर्टी फोर फोर्टी इस अभी एरिया में अभी के लिए ट्रेड करेगा फिर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा फिर ये फोर्टी या तो फोर्टी सिक्स डॉलर तक ट्रेड कर लेगा एक शॉर्ट टर्म में आई ये वीडियो अपडेट पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक भी करना और अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेफ तरीके से रखना और साथ ही साथ देखो लूस में कभी भी क्रिप्टो करेंसी को सेल आउट मत करना गुड बाय